हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस समय बज रहे हैं 9:20, 9:30 हो रहे हैं इस समय। और आज है क्या तारीख है, आज मैं तारीख ही नहीं, आज मेरे ख्याल चार सितंबर है आज की डेट। और जो है नहा धो के आई हूँ, बिल्कुल तैयार। कई दो दिन से सोच रही थी, दो तीन दिन हो गए, ये सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी मंदिर, ठीक है। पर वो है ना, टाइम लेट हो जाता है तो फिर मेरा मन करता ही नहीं जाने का। टाइम देखो अभी भी 9:30 हो रहे हैं, लेट हो गया। मुझे जाना चाहिए 8 बजे या 7:30 बजे, तब जाना ठीक रहता है। मंदिर में आरती हो रही होगी, पूजा वूजा हो रही होगी, तो उस समय जो है जाना सही रहेगा। इस समय लेट हो गया, कल भी लेट हो गया था, मैं नहीं गई। आज तो मैं नहा धो के भी आ गई, मेरा मंदिर जाना नहा लेती हूँ, तो नहा धो के सिर भी धो लिया, लेकिन लेट हो गया तो मैं अब नहीं जा रही। मैं सोच रही हूँ कुछ ना, मेरा करारा खाने का मन कर रहा था अभी। मैं क्या करी, मैं अपने हस्बैंड को बोला बाहर से ना मैगी लेकर आओ, दो मैगी, कह रहे घर में पड़ी है ढूंढ ले। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने देखा तो मेरे को काफ़ी सारे पैकेट मिल गए, एक और जगह पड़े गए थे, तो मैं बनाऊंगी। देखो अभी मेरा कच्चा तो ही खड़े होंगे, मैं बनाऊंगी अभी मैगी, तो मैं बनाऊंगी दो टुकड़े मैगी के। यह है मसाला वेज आटा मैगी है, ठीक है। तो दो टुकड़े मैं मैगी के बनाऊँगी, और उसके बाद जो है आज है ना, इस समय में मैं थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, कुछ मन थोड़ा सा ऐसी पता नहीं परेशान है क्या है कि मैं बोर हो रही हूँ, हाँ। तो इसलिए कल भी मेरा मन नहीं करा वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं एक दो दिन से मतलब मन ही नहीं कर रहा। जब उस दिन वो वाली वीडियो बना के ले आई ना, उसके लिए बहुत क्रेज था मुझे बनाने का, तो वो मैंने बना ली। उसके बाद आराम से बैठ गई हूँ, कोई बनाने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। कल भी वीडियो नहीं बनाई, मैं कह ये तो गलत बात है, आज तो वीडियो बनानी चाहिए, चाहे मन करे या ना करे, ठीक है। तो आज ना हमें बाहर जाना था तो हो गया लेट, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड हो गए तैयार होकर बैठ गए और हो गए लेट। मैंने कहा जहाँ जाना था वहाँ पर उन्होंने एक बजे बुलाया था, और घर में 3:30 बज रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का अब। तो ये मैंने कहा आप हो आओ, आप जाके बात बात कराओ, जो भी करनी है मैं कल आपके यहाँ चली जाऊँगी। पर ये भी नहीं गए, तैयार होकर ऐसे बैठे हुए और दोपहर से लगातार मोबाइल पकड़ा हुआ। मुझे इतना गुस्सा चल रहा है ना, मैं अभी लड़ाई कर रही थी थोड़ी देर पहले इनसे, सारा दिन मोबाइल पकड़ के बैठे जाते हो। घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो तुम्हारे करने वाले हैं, तो तुम्हें कर लेने चाहिए। मैं मेरे करने वाले काम मैं करूँगी, जो तुम्हारे करने वाले काम है तुम्हें करने चाहिए, ठीक है। पर ये सुनते ही कुछ नहीं है, है ना, सारा दिन मोबाइल पकड़ के बैठे रहे। अभी दुकान पे गए, कहते आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, वो उसको दिखाने गए, वो कह रहा सर्विस सेंटर ले जाना, अब कह रहे कल जाऊँगा। तो कल मैंने कहा बाहर भी जाना है, बाहर का फिर काम है, और आज कहीं भी नहीं गई। और बस हाँ, मैंने आज कुछ अच्छा काम कर लिया, इसलिए मैं थोड़ी सी खुश हूँ कि जो रूटीन से थोड़ा अलग हट के थोड़ा सा कोई काम करा है मैंने। वो जिस कमरे में मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी थोड़ी सफाई करी है मैंने आज। एक तो अभी मैंने उसकी बेडशीट भी चेंज कर दी है, और दूसरा जो है उसकी जो बैक सी बेड की बैक है उसको सारा सामान उठा के साफ़ किया, और वो जो एक मेरी मशीन पड़ी थी साइड में उसको भी साफ़ किया, कपड़ा दिया। और हाँ, एक छोटा टेबल था उसके ऊपर भी कुछ सामान पड़ा हुआ था, उसमें छांटने वाला हो रहा था, बहुत दिन से कलगल कर रही थी, उसको भी थोड़ा छांट दिया है, तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं नहा धो के भी आ गई तो अच्छा भी लग रहा है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। और कल जो है ना, मैंने रात को क्या बनाया था मेरे को याद नहीं आ रहा। आज मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्ज़ी, जो उस दिन मैंने आलू बॉयल किए थे ना, दो तीन दिन से पड़े हुए थे उबले हुए आलू, तो मैंने आज सोचा कि ऐसे खाने के लिए रखे थे पर खाए है नहीं हमने। और कल फिर हमने मतलब मैंने आज सुबह बनाई आलू की रस्म सी तरी वाली सब्ज़ी, और साथ में रोटी बनाई, और वो सब्ज़ी अभी भी मेरी थोड़ी पड़ी है, पर मैंने मन कर अब की दोपहर को खाई है तो मन नहीं कर रखा रोटी खाने का। तो इस समय मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है ना, तो मैंने दही देख लिया, मेरा दही दो जगह पड़ा है, दोनों जगह ही खट्टा है, तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी बन जाएगी आराम से, तो मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। और हाँ, कल रात को मैंने क्या बनाया था याद आ गया, कल मैंने नमकीन चावल बनाए थे। कल भी मंदिर जाना था पर लेट हो गया, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैंने कल नमकीन चावल बना लिए थे, दो तीन सब्जियाँ डाल के बीच में, तो वो जो थे बना लिए थे। और अब जो है ये देखो पीछे से झांक रहे मज़े से बैठ के, देख रहे हैं कि कर क्या रही है, बातें करी जा रही है, इधर से अभी कभी काम चलोगे, छुप गए दादे के साथ खड़े थे, छुप गए। अच्छा, तो मैं बता रही थी, देखो कल मैंने ना कई दिनों से कह रही थी मुरमरे बनाऊँगी, पर कल मैंने बना लिया कि मुरमरे देखो डिब्बे में डाल के रखे। ये कहते मैं नमकीन नहीं खाऊँगा, अब जो पैकेट वाला नमकीन होता है ना वो ले लेके खा रहे होते हैं, देखो कितने चलाक है। कहते ये तुमने बना तो दिया है, मैंने तो खाना नहीं है।
और जो रात को मैंने, हाँ जो आज मैंने सुबह सब्जी बनाई थी ना वो आलू वाली, उसमें मैंने थोड़ी मलाई भी डाल दी थी, तो कह रहे इसमें घी डाल दिया, मैंने नहीं खाना है और खा भी लिया और कह रहे मैंने नहीं खाना। अब ये जो है ना नमकीन दूसरा पैकेट वाला खा रहे हैं, अपन ये वाला खाते, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे पता है इन्होंने खाना, आज मैंने खा लिया इसको, हाँ तो मैंने ये भर के रख लिया। इसमें वही डाला मैंने, एक तो चने डाले हैं और एक जो नमकीन पैकेट वाला था थोड़ा वो भी ऐड किया है, और मूँगफली डाली है बस, और मुरमुरे डाले, बस यही डाला है। मैगी मैंने ला के रख ली है। और हाँ अब मैं कह रही थी, हाँ आज मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी जो थी ना वो मुझे बुला रही, कह रही तू पंजाब आ जा दो तीन दिन के लिए, वहाँ से हम मंडाली चलेंगे मत्था टेकने के लिए। पर मैं क्या करूँ, मेरे ना पैर में फिर आज दर्द हो रही है, तो मैंने कहा इतना लंबा सफ़र मेरे बस का नहीं है, अकेले करना मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो पापा जो है ना, पापा ने भी गलत करा, मम्मी को छोड़ के आ गया अकेले, मम्मी बेचारी अकेली वहाँ पर परेशानी हो रही है, सारा दिन को बात करने वाला ही ना हो तो बंदा परेशान हो ही जाता है, आपको भी पता ही है ना। और नारे इतनी एज में इंसान को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार बाप मम्मी छोड़ के आ गई थी ना पापा को, तो पीछे से पापा अलमारी के नीचे उनका पैर फंस गया था, आपको पहले बहुत पहले बताया था वीडियो में, पूरी रात वैसे ही पड़े रहे थे सर्दियों में, और सर्दी में कपड़े भी नहीं पहने थे, वो कपड़े निकालने थे, पता नहीं कैसे उनका पैर नीचे कुछ निकालने लगे, पैर ही फंस गया, पूरी रात ऐसे ही पड़े रहे। और सवेरे जाके 11-12 बजे दरवाज़ा किसी ने खोला तो मतलब उनको निकाला, बड़ी इस तरह मम्मी को भी अकेले छोड़ के नहीं इनको आना चाहिए, पापा आ गए फिर अकेले छोड़ के गलत बात है। तो अब मम्मी का मन नहीं करा, मुझे बुला रही, कह रहे तू थोड़े से दिन मेरे पास रह लियो, उसके बाद हम मंडाली चलेंगे, फिर मुझे वापस छोड़ने जाइए, और मैं कैसे जाऊँ, मेरे पैर में दर्द हो रही है, तो कभी ये दर्द कम होती, कभी थोड़ी बढ़ भी जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है, पर अभी हो रही है इस समय। और इतना लंबा सफ़र अकेले है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी, फिर ये भी दिक्कत है। और उसके बाद जो है, हाँ मैंने बता ही दिया कि आज का मूड थोड़ा मेरा ठीक नहीं था, बस अब मैं मैगी खाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा मूड, उसके बाद मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। और कमरे में थोड़ी सी सफाई मैंने करी, अच्छा लग रहा है, कुछ तो करा मैंने, ये तो सारा दिन मोबाइल पकड़ के ही बैठे रहते हैं, तो मुझे आता है गुस्सा इनके ऊपर, बिल्कुल कई कई काम होते हैं आदमियों के करने वाले, वो कर लेने चाहिए उनको। तो चलो फिर ठीक है, मैं मिलती हूँ। हाँ मैं एक बात बताना भूल गई, आज बेटी से भी बात हुई, उसने 2-3 वीडियो भेजी हैं। बॉम्बे में कल रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, उनके कॉलेज के आगे भी इतना पानी भरा हुआ है, उसमें मैं वीडियो डालूंगी एक दो, देखना आप कितना पानी, कॉलेज के आगे भी पूरा घुटनों घुटनों तक, कॉलेज से लेके पूरा कह रही हॉस्टल तक आने में एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग आ रहे हैं, हैं और घुटनों घुटनों तक सड़कों पे पानी है, इतना बारिश, और बारिश अभी भी आ रही थी जब दोपहर को उसने बात की, कह रही अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही बारिश। तो मैंने उसे बोला कि भाई हॉस्टल में पहुँच गई तो बाहर मत निकलना, कह रही हो सकता है कि कल कॉलेज की छुट्टी हो जाए, पर पक्का नहीं है, हो सकता है कि हो जाए छुट्टी। और जो उनके और आसपास के जो कॉलेज हैं, तो वहाँ पर क्या है कि गणेश महोत्सव के कारण वहाँ पर उनके कॉलेज में तो बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ गई, इनका एक बड़ा अच्छा कॉलेज है जहाँ छुट्टी ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और इनके हाँ इनके जो है, ये कह रही थी वो 26 को कॉलेज लगेंगे, जो साथ में इनके आसपास कॉलेज है ना वो 26 को लगेंगे, और इनकी देखो इतनी सारी उनको छुट्टियाँ पड़ गई और बच्चे वो वहाँ के घर चले गए, और ये बेचारे इनका कॉलेज लग गया, आज गई थी कॉलेज और घुटनों तक पानी था, बेचारी कैसे आई होगी हाथ पकड़ पकड़ के। और बाकी जो है मैंने भी वीडियो देखी, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा पानी, इतना पानी मेरा ऐसे सड़कों पर तो ना भी चला लो इतना पानी सड़कों पर, पास में समुंदर भी है तो डर भी लगता है कि बाढ़ वाड़ी ना आ जाए, डर ही लगता है। एक तो बॉम्बे में बारिश होती भी बहुत ज़्यादा है, करे भी कोई क्या, तो थोड़ा सा मुझे उसका भी फिक्र हो रहा है, और बाकी मम्मी का भी थोड़ा फिक्र हो रहा है कि वो अकेले हैं तो परेशान हो रहे हैं, कोई बात करने का के लिए नहीं उनके पास। और बाकी जो है बस अब देखते हैं क्या करना है, मम्मी को लेने कौन जाएगा, देखती हूँ मैं, यहाँ तो अपने हस्बैंड को पटाती हूँ वो लेके आए, और या फिर पापा को बोलती हूँ, कुछ तो करूँगी, चलो देखती हूँ क्या करती हूँ। उधर जो है मारे इंकले में सारे के फ़ोन कर रही हूँ, कोई उठाता ही नहीं फ़ोन, तो कल अब मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पापा का फ़ोन ख़राब हो गया, उन्होंने नया लेना अभी तक लिया नहीं है, और बाकी वो जो अरमिंदर का फ़ोन है वो उठा ही नहीं रहा, तो फिर मेरे को थोड़ा फ़ोन पे बात हो जाती तो अच्छा था, नहीं तब जाना पड़ेगा, वो पीछे से झाँक रहे हैं, पता नहीं क्या बोली जा रही है, तो पीछे झाँक रहे आराम से, लगे हुए थे फ़ोन पे भी गप्पे मारने वो, देखो आराम से झाँक रहे। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ कल आपसे, मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल और मैगी बनाती हूँ अपने, और मिलती हूँ कल आपसे, ठीक है। और जाऊंगी मंदिर में, आज नहीं गई, 2-3 दिन हो गए, कल कर रही हूँ, पर मैं कल या परसों 2-3 दिन ही और रह गया है, आज मेरे ख्याल 4 तारीख हो गई, 5-6 तक ही है वो, तो मैं जाऊंगी एक दिन, पक्का मंदिर जाना है मैंने तो हर साल के साल ही हम लोग जाते हैं मंदिर में, पर कभी 2 बार जाते हैं, कभी 3 बार, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाया जाता, बस इतना ही जा पाते हैं,
और वो मेरे को कह रहे चल चल, मैंने कहा अब इस समय कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या फ़ायदा है जाने का, जल्दी जाना चाहिए था ना, ये गलत बात है इसको। चलो मिलती हूँ कल फिर मैं आपसे अच्छे मूड में, अभी मूड थोड़ा ऐसा ही है, अभी कुछ अच्छा देखूँगी तो शायद अच्छा हो जाए, पर अभी जो है कल मिलती हूँ आपसे अच्छे मूड में, देखती हूँ क्या करती हूँ कल, वैसे बाहर का चक्कर भी लगाना है, तो चलो ठीक है कल मिलती हूँ, बाय बाय। ओह शिट अंदर ही। बस सोच वो उसकी होती तन में की वरना होती।